फ्रेंड्स चलते हैं, पर्दे निकालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। ये देखिए, ये वाले भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं और इधर जो है ये भी गंदे हो गए हैं, ये ब्लू वाले भी गंदे, सारे गंदे हैं पर्दे। तो आज जाते हैं, मशीन में नहीं धुलेंगे इसको, पहले रात में भिगो के रख देंगे, सुबह धुलेंगे क्योंकि वाइट थोड़ा कलर है ना तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो जाते हैं, इनको निकालते हैं और फिर भिगो के रखते हैं, मॉर्निंग में धुलूंगी तो वो भी शायद शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स निकाल लेते हैं, फिर इनको भिगोते हैं। तो देख सकते हैं मैंने भिगो दिया है इनको, तो अभी रात भर भीगेंगे, सुबह इनको धुलेंगे तब आपको दिखाएंगे। फिर से देखिए भीग रहे हैं, भीगने देते हैं इनको। तो फ्रेंड्स अभी है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का काम मैंने पूरा ख़त्म कर लिया था, उसके बाद अभी दोपहर का समय है, तभी मैं ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, यानी ये पर्दे, क्योंकि कल मैंने भिगोया था शाम को, फिर सुबह ही जल्दी धुल दिए थे, फिर बहुत जल्दी सूख गए, तो मैंने कहा फोल्ड करके रख देते हैं क्योंकि लगाऊंगी बाद में, क्योंकि मन नहीं करता, कभी कभी क्या होता है मन नहीं करता है कि जल्दी फोल्ड कर दे, या कभी कभी मन करता है तो कर देते, नहीं करता है तो नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी फोल्ड करके रखते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, अगर कुछ भी कमी लगती हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स ये पर्दे मैंने फोल्ड कर दिया है, ये देख सकते हैं, अभी मैं लगाऊंगी नहीं इनको क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बस इतने से। और इसको ये देख सकते हैं, ये वाला मैं क्योंकि ये ज़्यादा गंदा भी नहीं था, खिड़की का है, नहीं धुली हूँ। और ये वाले देख सकते हैं, ये सारे मैंने फोल्ड करके रख दिए, जब टाइम मिलेगा तभी लगाऊंगी पर्दों में, यानी जब टाइम मिलेगा तभी लगाऊंगी, अभी नहीं। तो चलते हैं कुछ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी बजे हुए दोपहर के 12:30 और 12:30 बजे मेरा मॉर्निंग का काम पूरा ख़त्म हो गया था पहले ही, और अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा पर्दे वगैरह फोल्ड करके आई हूँ। तो जब समय मिलेगा तब मैं उनको लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी, मन नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह जानते हैं आप लोग कितना ज़्यादा काम होता है, तो फिर ये काम करने का मन नहीं करता। अभी जाते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर जब उठेंगे तभी ये सब काम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिर चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, फुल वॉच करिए, और फ्रेंड्स आप लोग फुल वॉच किया करिए प्लीज़, मुझे इस समय फुल वॉच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पंती तुम तो बोल रही थी पापा के पास पैसे ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब नहीं बचे बिल्कुल नहीं। और तुम फिर कैसे कुछ खाती होगी? पापा से मैं रोटी हूँ मम्मा के लिए, और मम्मा मुझे सब कुछ दिला देती। और अब पिज्जा भी नहीं खाती होगी जब से घर बन रहा है? क्या पिज्जा? फिर क्या खाओगी? पिज्जा खाएंगे, डबल रोटी, और मंगवाएंगे चॉकलेट पापा से। अभी नहीं लाते क्या? नहीं लाते हैं। क्यों? पापा के पास तो पैसे ही नहीं बचे, मैं आज बॉडी जा रही हूँ, पापा ड्यूटी गए। अच्छा, मुझे दिलाने की कोशिश करेंगे ना, तब मैं विश को ऐसे रिमार्क लगाऊंगी, पापा से करूंगी पापा चारा दे लेती हो? हाँ, वो मुझे मारता भी नहीं है, तब वो कहता मुझे चारा करने के लिए चाने लग चाने लगता, इसीलिए मैं थोड़ा विष को देती हूँ, ज्यादा विष को देती हूँ। अच्छा, तो अभी कहाँ जाओगी? अभी खेलोगी नहीं? यहाँ पर खेलेंगे और थोड़ी देर में चली जाएंगी। कहाँ जाओगी? बॉडी। अच्छा, मेरे वो मुन्ना जो है ना, वो हमको बहुत मारते हैं, जैसे कि देती हूँ मैं, इसको एक दिन डरवा ही दूँ।
कैसे डराओगी? मैं पीछे में सीधा उनकी जीभ मारने लगेगा ना, जीभ पकड़ूंगी कैसे से कटूंगी। और फ्रेंड्स, ये वाली क्लिप आप लोग जो देख रहे हैं, ये मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके फ्रेंड्स वगैरह मिलकर बाहर जाके वही केक काट देते हैं। घर में हम लोगों के बच्चों का बर्थडे नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे मायके में। तो वही देख सकते हैं बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और इतना ज़्यादा केक बर्बाद करते हैं कुछ कहने के बाद। ये देख सकते हैं आप, खाते कम है, ये लगाते जाता है, ऐसे ही करते हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ केक वगैरह कटिंग करने के बाद कुछ नाश्ता पानी या खाना खाने के बाद देख सकते हैं अभी आ गए हैं खेलने के लिए। रात में बच्चे खेलते भी हैं, जिस दिन किसी बच्चे का बर्थडे होता है वो लोग खूब इंजॉय करते हैं, यानी जितना समय बिताते हैं खूब इंजॉय करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ बहुत हंसी खुशी से सभी खेल रहे थे। और आगे आप लोग देखेंगे जितना यहाँ पे खुश थे सारे बच्चे, फिर खुशी पे पता नहीं किसकी नज़र लग गई। फिर आगे चल के फिर जैसे ये लोग घर जा रहे थे तो मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था, बस लेकिन फिर भी इतने खुश थे, आज बच्चे का बर्थडे था और आज ही ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे हैं और खेलने के बाद जब घर जाते हैं तो रास्ते में क्या है, हमारा जो पशु होते हैं पड़े होते हैं वही सामने आ जाते हैं, फिर अचानक से वो ब्रेक लगाता है, उसी में बाइक जो है उसकी घसीटती हुई चली जाती है बहुत दूर तक और उसके चोट लग जाती है। मैं अभी जाऊँगी घर, यानी उसके नेक्स्ट डे मुझे घर जाना है जब का ये क्लिप है, यानी तो उसके दूसरे दिन मैं गई थी घर, मैं भी दिखाऊंगी। और देख सकते हैं इतने सारे फ्रेंड्स से बहुत अच्छी तरीके से बर्थडे मनाया है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं बच्चे और ऐसा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं घर गई थी तो इतनी चोट आई है मेरे भतीजे की ही, जिसका बर्थडे था उसी दिन, उसी रात में ये लोग आ रहे थे तभी हुआ है, तभी मैं देखने गई थी। तो मैंने कहा उसका थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं आई लेकिन हाँ पूरे शरीर में तो खरोच टाइप में तो आई है, क्योंकि गाड़ी फिसलती हुई गई थी घिसते हुए तो फिर चोट लग गई है। तो मैंने कहा आप लोग शायद शेयर करते हैं थोड़ा बहुत, तो आप लोग भी देखिए, क्योंकि बर्थडे वाले दिन फिर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो देख सकते हैं, और इसके हाथों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी थी, देख सकते हैं सिर में भी, यहाँ पे मत्थे के पास एकदम लगी है और पैर में भी लगी है चोट, देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको दो तीन जगह, और हाथ में कई जगह खरोचे आई हैं, बहुत सारी जगह, पैर में भी पूरे पैर में खरोचे आई हैं। और ये देख सकते हैं पैर में भी जगह जगह दिखा रही थी जहाँ पर कुछ था यानी चोट, तो देख सकते हैं तब भी बहुत ज़्यादा ये खुश था, ऐसे ही खुश था कि रोएगा क्या। और फ्रेंड्स, जिस दिन जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, और इतनी चोट उसको लगनी थी तो लग गई, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बच्चे हैं और बर्थडे वगैरह तो मनाएंगे ही, और जाते हैं आते हैं, अब घर वाले गुस्सा होते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनका भी गुस्सा होना जायज़ है कि बच्चे आजकल बाहर जाते हैं तो फिर चोट लगती है। भैया जी, भैया जी, अरे भैया जी, भैया आप जब गिरे तो आपको कैसा लगा? हट के बता रहे हैं, ये तो वीडियो वाला सीन होगा। मजा आया, कैसा मजा? रील वाला वीडियो एकदम जैसा। अच्छा, तो ये चोट कैसे लग गई आपको, कैसे गिरे थे, क्या हुआ था उत्ते समय? कोई बताए किसी ने? अरे अरे, वो पट्टी मत खोली, पट्टी मत खोली, बड़ी ये देखिए, अरे अरे, ये तो गुस्सा आ गए, अरे ये देखिए पिताजी गुस्सा हो गए। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अपनी पट्टी ये खोल रहा था, क्योंकि इसको जो बार बार इधर उधर खिसक रही थी, सही से नहीं मुझे लग रहा बंधी थी, तो ये फिर खोल रहा था और सभी लोग बोल रहे थे कि सही से बंधी भी नहीं थी, तभी इसने हटा दिया, बोला था नेक्स्ट डे जाएंगे फिर पट्टी करा के आएंगे। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम जला हुआ लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा घिस गया है, लेकिन इसमें खून बिल्कुल भी नहीं निकला था, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। और उसके बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं रात में शायद 8 बजे का टाइम है, अभी हम लोग निकल रहे थे, 8 बजे निकल गए थे वहाँ से, तो वही मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और ये मेरी भतीजी है जिसका बर्थडे था, आप लोग देखे ही होंगे, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे, और वहाँ पे कोई आया था, बात चाची मेरी आई थी यानी देखने के लिए मेरे भतीजे को, तो फिर वहाँ वो लोग बातें कर रही थी, मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया क्योंकि वो लोग तेज़ तेज़ बात कर रही थी। फिर मैंने कहा, फिर समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों की आवाज़ कम लग रही थी, उनकी ज़्यादा तेज़ लग रही थी, फिर मैंने नहीं म्यूट कर दिया आवाज़ को। और फ्रेंड्स, उसके बाद देख सकते हैं अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, रास्ते का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था कि मैं घर जा रही थी, और रात 9 बज गया था, 9 बजे मैं अपने घर गई थी। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, तो फिर मिलते हैं।